बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कथा अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज पढ़ेंगे और समझेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वी वर्ल्ड रिनाउंड पोएट, राइटर, प्ले राइट, कंपोजर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर और पेंटर थे। ही इज अ जेम विच एवरी इंडियन इज डेफिनेटली प्राउड ऑफ। इस कथा में वे सटाया के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि कला और कलाकारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करना ही जीवन का मकसद नहीं होता, हमें हमारे सोल को नर्चर करना भी ज़रूरी है। आओ कथा पढ़ते हैं। The man had never believed in mere utility. Having had no useful work, he indulged in mad whims. He made little pieces of sculpture, men, women, and castles, quaint earthen things dotted over with seashells. He painted. Thus he wasted his time on all that was useless, needless. People laughed at him. At times, he vowed to shake off his whims, but they lingered in his mind. Some boys seldom ply their books and yet pass their tests. A similar thing happened to this man. He spent his earth life in useless work, and yet, after his death, the gates of heaven opened wide for him. But the moving finger writes even in heaven. So it came to pass that the aerial messenger who took charge of the man made a mistake and found him a place in workers' paradise. Utility, upyogita, lab, indulge, to allow oneself to follow something, whims, desires, sculpture, murtikala, quaint, strange, peculiar, dotted over, जगह जगह पर किसी चीज का होना, linger, to delay going or to stick around, seldom, कभी कभी, ply, practice, use, moving finger, किस्मत, aerial messenger, यमदूत। लेखक कहते हैं कि उस आदमी ने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी उपयोगी काम नहीं किया, ऐसा कोई भी काम जो जीवन को सरल बनाए, जिससे किसी का लाभ हो। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो स्ट्रेंज और अननेसेसरी एक्टिविटीज में अपना टाइम बर्बाद किया करता था। वे मिट्टी के किले बनाता, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाता जिन्हें वो शंख और सीपियों से सजाता, कभी वो पेंटिंग करके अपना समय बर्बाद करता। पूरे दिन में वो एक भी ऐसा काम नहीं करता जो यूजफुल हो। लोग उसका मजाक उड़ाते, उस पर हंसते। कभी कभी उसे भी लगता कि उसे कुछ ज़रूरी काम करना चाहिए और अपनी इच्छाओं को दबा कर ख़त्म कर देना चाहिए, मगर उसकी इच्छाएं, उसके इंटरेस्ट उसका पीछा छोड़ते ही नहीं थे। लेखक आगे कहते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, वो बिना अभ्यास किए ही एग्जाम्स में पास हो जाते हैं। इस आदमी की किस्मत भी उन्हीं विद्यार्थियों जैसी अच्छी थी। अपना पूरा जीवन काल उसने फिजूल कामों में वेस्ट किया, फिर भी उसके मरने के बाद स्वर्ग में उसको स्थान मिल गया। अब इंसान की किस्मत तो उसकी मृत्यु के बाद भी लिखी ही जाती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि यमदूत उस आदमी को गलती से स्वर्ग में ले गया। वो स्वर्ग केवल स्वर्ग नहीं, एक वर्कर्स पैराडाइज था, जहां वही इंसानों को भेजा जाता था जो काम करने और व्यस्त रहने को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते थे।
आगे पढ़ें। इन दिस पैराडाइज यू फाइंड एवरीथिंग एक्सेप्ट लेजर। हियर मेन से, गॉड वी हैवंट अ मोमेंट टू स्पेयर। विमेन विस्पर, लेट्स मूव ऑन, टाइम्स आर फ्लाइंग। ऑल एक्सक्लेम, टाइम इज प्रेशियस, वी हैव आवर हैंड्स फुल, वी मेक यूज ऑफ एवरी सिंगल मिनट। दे साइ कंप्लेनिंगली, एंड येट दोज वर्ड्स मेक देम हैप्पी एंड एक्सोल्टेड। But this newcomer, who had passed all his life on earth without doing a scrap of useful work, did not fit in with the scheme of things in workers' paradise. He lounged in the streets absently and jostled the hurrying men. He lay down in the green meadows or close to the fast-flowing streams and was taken to task by busy farmers. He was always in the way of others. Leisure, free time. Spare, no extra time to waste. Exalted, to honor. Scrap, thoda sa, a small bit. Scheme of things, way that things are organized. Lounged, samay vyarth karna. Absently, bina soche vichare. Jostle, dhakka mukki. Taken to task, to scold or show disapproval. Meadow, khula maidan. ये स्वर्ग ऐसा था जिसमें हर व्यक्ति हर समय बिजी रहता था। किसी के पास एक मिनट का भी फ्री टाइम नहीं था। सभी आदमी हर समय एक ही बात दोहराते थे, हे भगवान, हमें तो एक घड़ी की भी फुर्सत नहीं है। सभी औरतें फुसफुसाती थीं, जल्दी जल्दी काम करो, समय निकला जा रहा है। सभी आदमी और औरतें एक स्वर में कहते, समय कीमती है। हम अपने हर सेकंड, हर मिनट का सदुपयोग करते हैं। हमारे हाथ में हमेशा कोई ना कोई काम होता है। ऐसा कहते हुए उनके मुख से ठंडी आह निकलती और ऐसा लगता कि वो कंप्लेन कर रहे हैं। फिर भी अपनी कंप्लेंट को बताते हुए भी उनके स्वर में एक गर्व और खुशी की झलक होती थी। अब ऐसे वर्कर्स पैराडाइज में वो व्यक्ति कैसे एडजस्ट होता? उसने तो अपने पूरे जीवन काल में एक भी यूजफुल काम नहीं किया था। एक एक पल बेकार के कामों में ही बर्बाद किया था। वो इन लोगों की आंखों में खटक रहा था। वो जिग्सॉ पाजल का ऐसा पीस था जो कहीं फिट नहीं हो पा रहा था। दौड़ते भागते लोगों की भीड़ में वो इधर उधर बस लोगों के धक्के खाता रहता। कभी पैर पसार कर मैदानों में लेट जाता, तो कभी नदी के किनारे लेट जाता। खेतों में काम कर रहे किसान उसे डांटते, भला बुरा कहते। वो खुद तो कुछ काम करता नहीं था, जो कर रहे होते थे उन लोगों के काम में बाधा डालता, अड़चन डालता। आगे पढ़ें। A bustling girl went every day to a silent torrent. Silent, since in the worker's paradise, even a torrent wouldn't waste its energy singing. To fill her pitchers. The girl's movement on the road was like the rapid movement of a skilled hand on the strings of a guitar. Her hair was carelessly done. Inquisitive wisps peeped often over her forehead to peer at the dark wonder of her eye. The idler was standing by the stream. As a princess sees a lonely beggar and is filled with pity, so the busy girl of heaven saw this one and was filled with pity. Aha, she cried with concern. You have no work in hand, have you? The man sighed. Work? I have not a moment to spare for work. Bustling, busy, active. Torrent, stream, nadi. Pitcher, ghada.
इंक्विजिटिव, क्यूरियस, जिज्ञासु, विस्प, स्ट्रैंड, पीप, झांकना, आइडलर, निकम्मा। उस वर्कर्स पैराडाइज में एक ऐसी लड़की थी जो हर रोज नदी पर अपना घड़ा भरने जाती थी। अब उस जगह तो नदियां भी शांत रहती थीं, कल कल के स्वर में गीत नहीं गाती थीं, क्योंकि गीत गाकर अपनी ताकत को व्यर्थ करना वर्कर्स पैराडाइज के उसूलों के खिलाफ था। ये लड़की भी अपनी सारी एनर्जी कामों में ही लगाती थी, पूरा दिन बस यहाँ से वहाँ भागती दौड़ती रहती थी। उसके पैर सड़क पर ऐसे भागते जैसे कोई काबिल संगीतकार गिटार की तारों से संगीत पैदा कर रहा हो। कामों में मशगूल रहने के कारण उसे अपने बालों को कंघी करके संवारने का भी वक्त नहीं मिलता था, जैसे तैसे बालों को उसने बांधा हुआ था। पर बालों की कोई एक दो लटें फिर भी उसके माथे पर बिखर जाती थी। वैसे तो वो लड़की सुंदर थी, पर काम में उलझे रहने के कारण वो बनने सवरने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उस दिन भी वो लड़की अपना घड़ा भरने नदी पर आई। वो बेकार आदमी नदी के किनारे खड़ा हुआ था। उस लड़की ने उसे ठीक उसी नजर से देखा जैसे कोई राजकुमारी किसी भिखारी को देखती है। उसके चेहरे पर सहानुभूति थी, दया थी। उसने अफसोस के स्वर में आदमी से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है? उस आलसी आदमी ने एक ठंडी आह भरी और कहा, काम? काम करने के लिए तो मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। आगे पढ़ें। The girl did not understand his words and said, I shall spare some work for you to do, if you like. The man replied, Girl of the silent torrent, all this time I have been waiting to take some work from your hands. What kind of work would you like? Will you give me one of your pictures, one that you can spare? She asked, A pitcher? You want to draw water from the torrent? No, I shall draw pictures on your pitcher. The girl was annoyed. Pictures indeed! I have no time to waste on such as you. I'm going. And she walked away. But how could a busy person get the better of one who had nothing to do? Every day they met, and every day he said to her, Girl of the silent torrent, give me one of your clay pictures. I shall draw pictures on it. She yielded at last. She gave him one of her pictures. The man started painting. He drew line after line. He put color after color. When he had completed his work, the girl held up the picture and stared at its sides, her eyes puzzled. Get the better of, gain an advantage over, किसी को हराना, yielded, agreed, मान जाना, puzzle, हैरान, confuse. लड़की को उस आदमी की बातें समझ ही नहीं आई। उसने टोटली उसकी बात को मिसअंडरस्टैंड किया। उसने कहा, अच्छा, तुम्हारे पास काम नहीं है? मैं तुम्हें कुछ काम दे सकती हूँ, यदि तुम चाहो तो। इसके उत्तर में वो आदमी बोला, मैं कितने समय से तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथ से तुम्हारा कुछ काम लेना चाहता हूँ। लड़की ने पूछा, तुम क्या काम करना चाहोगे? आदमी ने तपाक से उत्तर दिया, क्या तुम मुझे अपना एक घड़ा दोगी? लड़की ने कहा, क्या तुम घड़े में पानी भरोगे? आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं घड़े पर तस्वीरें बनाऊंगा। लड़की को गुस्सा आ गया और उसने कहा, कैसी बेकार की बातें करते हो, मैं तुम्हारे जैसे लोगों पर समय व्यर्थ नहीं करूंगी। तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो,
और मुझसे भी करवाना चाहते हो। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। लेखक आगे कहते हैं, एक बिजी व्यक्ति एक निखट्टू से कैसे जीत सकता है। वे दोनों रोज नदी के किनारे मिलते और रोज वो आदमी वही फरमाइश करता। एक दिन उस लड़की ने फाइनली उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए और अपना एक घड़ा उसको सौंप दिया। वो आदमी खुशी खुशी घड़े पर चित्रकारी करने लगा, उसमें सुंदर चटकीले रंग भरने लगा। जब आदमी का काम पूरा हुआ तो घड़ा उसने लड़की को सौंप दिया। अपने घड़े की ऐसी काया पलट देखकर लड़की बहुत चकी रह गई और निशब्द अपने घड़े को हैरानी से देखती ही रही। आगे पढ़ें। Brows drawn, she asked, "What do they mean? All those lines and colors? What is their purpose?" The man laughed. "Nothing. A picture may have no meaning and serve no purpose." The girl went away with her picture. At home, away from prying eyes, she held it in the light, turned it round and round, and scanned the painting from all angles. At night, she moved out of bed, lighted a lamp, and scanned it again in silence. For the first time in her life, she had seen something that had no meaning and no purpose at all. When she set out for the torrent the next day, her hurrying feet were a little less hurried than before, for a new sense seemed to have awakened in her, a sense that seemed to have no meaning and no purpose at all. Pry, taank chhaank karna, to spy. Scan, dhyan se dekhna, parakhna, to study or check carefully. लड़की ने घड़े को बहुत ध्यान से देखा। त्योरियां चढ़ाकर उसने बहुत हैरानी से आदमी से पूछा, ये सब लकीरें, ये रंग, ये तस्वीरें, ये सब किस काम आती हैं? इनका आखिर क्या मतलब है? ये प्रश्न सुनकर कलाकार की हंसी छूट गई। उसने हंसते हंसते उत्तर दिया, इन लकीरों और इन रंगों का कोई अर्थ नहीं है। तस्वीरें और उनके अंदर के रंग किसी काम नहीं आते। लड़की स्तब्ध थी। चुपचाप बिना कुछ बोले वो घर वापस आ गई। घर आकर उसने एक बार फिर अपना घड़ा उठाया, जो अब सुंदर दिख रहा था, रंगीन दिख रहा था। रोशनी में उसने उसे निहारा और समझने की कोशिश की। गोल गोल घुमाकर ऊपर नीचे हर एंगल से उसे स्टडी किया, एनालाइज किया। रात को भी लालटेन की रोशनी में उसने अपने घड़े को फिर से एक बार उठाया और निहारा। अपने जीवन काल में उसने ऐसा अजूबा कभी नहीं देखा था। ऐसा काम जिससे कोई फायदा ना हो और जिसका कोई मतलब ना हो। अगले दिन जब वो नदी पर पानी भरने गई तो उसके कदम हर बार की तरह तेज नहीं थे। उसकी चाल में हड़बड़ाहट नहीं थी। वो आराम से धीरे धीरे अपनी ही धुन में नदी तक आई। ऐसा लगता था मानो उसके अंदर एक नई भावना जागृत हुई है, पर उस भावना का कोई अर्थ या कोई मकसद नहीं है। आगे पढ़ें। She saw the painter standing by the torrent and asked in confusion, "What do you want of me?" "Only some more work from your hands." "What kind of work would you like?" "Let me make a colored ribbon for your hair," he answered. "And what for?" "Nothing." Ribbons were made bright with colors. The busy girl of Workers' Paradise had now to spend a lot of time every day
tying the colored ribbon around her hair. The minutes slipped by, unutilized. Much work was left unfinished. In workers' paradise, work had, of late, begun to suffer. Many persons who had been active before were now idle, wasting their precious time on useless things such as painting and sculpture. Unutilized ka matlab hota hai, unused, bekar, waste. जब लड़की नदी के पास पहुंची तो उसने कलाकार को वहीं पाया। उसे वहां फिर से देखकर वो उलझन में पड़ गई और उसने पूछा, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कलाकार ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे हाथ से कुछ और काम लेना चाहता हूँ। लड़की ने पूछा, तुम किस तरह का काम करना चाहोगे? कलाकार ने कहा, मैं तुम्हारे बालों के लिए रंगीन रिबन बनाना चाहता हूँ। लड़की ने हैरान होकर कहा, रिबन किस काम आएंगे? कलाकार ने उत्तर दिया, किसी खास काम नहीं आएंगे, मैं तो यूं ही बनाना चाहता हूँ। कलाकार ने बहुत सारे रंगीन रिबन बनाए और लड़की को दे दिए। अब वो लड़की अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ भूल गई। अब वो अपना काफी वक्त अपने लंबे बालों को संवारने में, रिबन से बांधने में लगाती। मिनट, घंटे यूं ही बीत जाते, वेस्ट हो जाते। कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता, सभी काम आधे अधूरे ही रह जाते। लड़की की देखा देखी बहुत से लोग निकम्मे होते जा रहे थे, कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। वर्कर्स पैराडाइज के सभी काम कलाकार के आने से पहले सुचारू रूप से हो रहे थे। अब लोग इम्पोर्टेंट और यूजफुल काम छोड़कर मूर्ति कला और पेंटिंग जैसे बेकार के कामों में वक्त जाया करने लगे थे। आगे पढ़ें। The elders became anxious. A meeting was called. All agreed that such a state of affairs had so far been unknown in the history of the workers' paradise. The aerial messenger hurried in, bowed before the elders, and made a confession. I brought a wrong man into this paradise, he said. It is all because of him. The man was summoned. As he came, the elders saw his fantastic dress, his quaint brushes, his paints, and they knew at once that he was not the right sort for workers' paradise. Stiffly, the president said, This is no place for the like of you. You must leave. The man sighed in relief and gathered up his brush and paints. But as he was about to go, the girl of the silent torrent came up, dripping, and cried, Wait a moment, I shall come with you. The elders gasped in surprise. Never before had a thing like this happened in workers' paradise, a thing that had no meaning and no purpose at all. Anxious, worried, state of affairs, halat, confession, galti ko kubool karna, summon, bulana, stiffly, firmly, sakti se, tripping, girte, padte. जब वर्कर्स पैराडाइज के अधिकतर लोग निकम्मे नकारा होने लगे और वहाँ का काम सफर करने लगा तो वहाँ के बड़े बुजुर्गों को चिंता होने लगी। उन्होंने तुरंत एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। सभी लोग इस बात से सहमत थे कि आज तक ऐसे हालात तो वर्कर्स पैराडाइज में पैदा ही नहीं हुए थे। ये बात बहुत अजीबोगरीब थी। यमदूत मीटिंग में भागा भागा आया और उसने अपनी गलती को कबूल किया। उसने कहा कि वो भूल से एक कलाकार को वर्कर्स पैराडाइज में ले आया है। कलाकार को बुलवाया गया। कलाकार के रंगीन कपड़े, उसके पेंट ब्रशेस, पेंट्स इत्यादि को देखकर सभी लोग समझ गए कि वो यहाँ के लिए अनफिट है।
और उसे यहाँ से जल्दी निकालना पड़ेगा। वहाँ के प्रेसिडेंट ने सख्ती से उससे कहा कि तुम इस जगह के लायक नहीं हो, तुरंत यहाँ से चले जाओ। कलाकार ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने राहत की एक लंबी सांस ली और अपना सामान इकट्ठा करने लगा। उसे जाता देखकर वो लड़की गिरती पड़ती वहां आई और उसने उससे कहा कि वो भी उसके साथ जाना चाहेगी। सारे बड़े बुजुर्ग अचंभित थे, शॉक थे, कंफ्यूज थे। वर्कर्स पैराडाइज के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। वर्कर्स पैराडाइज में अब तक ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ था जिस काम के पीछे कोई अर्थ या मकसद न हो। टैगोर ने इस कथा के माध्यम से हास्य व्यंग्य का सहारा लेकर ये बात समझाने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में सभी काम अर्थ या मकसद के कारण हो ये जरूरी नहीं है। एवरीथिंग इन लाइफ डजंट नीड टू हैव मीनिंग एंड पर्पस। जीवन का लक्ष्य सिर्फ हमारे माइंड एंड बॉडी को नरिश करना ही नहीं है, कुछ कार्य हमारी आत्मा, हमारे सोल को नरिश करने के लिए भी किए जाते हैं। हम एक इजी एग्जांपल लेते हैं। जब हम एक घर खरीदते हैं तो क्या हम सिर्फ चार दीवारें और एक छत ही खरीदते हैं? क्या हम उसकी पेंटिंग एक्सपेंसिव पेंट से नहीं करवाते? सुंदर कारपेट, सोफा, बेड, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम्स नहीं खरीदते? उस घर को सजाते संवारते नहीं हैं? अगर जरूरत के मुताबिक ही चलें तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, पर हम उनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारे सोल को नरिश करती हैं। ठीक उसी तरह संगीत, नृत्य, चित्रकारी, मूर्तिकला इत्यादि हमारे सोल को नरिश करते हैं। एक सफल और खुशहाल जीवन में इनकी अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। यहाँ पूरा होता है अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।